अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फौरन आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक अरेबिक डिप की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे कहते हैं बाबा गनोश या बाबा गनोश। तो इसका साउंड क्या करता है इसका नाम, ये मुझे बहुत ज़्यादा सही पता नहीं है, लेकिन जिसको पता हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो इसके लिए हमने बैंगन लिए हैं, बड़े साइज़ के बैंगन जाएंगे इसके अंदर, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त फ्रेश बैंगन होने चाहिए। और जो राउंड वाला बैंगन होता है वो होता है मेल, और जो लंबा वाला होता है वो फीमेल होता है। तो आपको ये भी वजाहत कर दूं, जो फीमेल बैंगन होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, और जो मेल बैंगन होता है उसमें बीज कम होते हैं, तो वो बाबा गनोश बनाने के लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी ले लें, जायका वैसा ही रहेगा। सबसे पहले जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसमें है तहीनी सॉस, कुछ तहीना भी कहते हैं कुछ तहीनी भी कहते हैं, ये मेरा होममेड है। इसके अलावा इसके अंदर आधा कप के करीब दही जाएगा, आप इसकी जगह फेटा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। नमक हसबे जायका, पिसी लाल मिर्च हसबे जायका, और अगर आपके पास सुमुक अवेलेबल है तो आप इसके अंदर सुमुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर रहता है उससे। लेकिन कराची में मैंने ढूंढा नहीं मिला, तो मैं ऐसी चीज़ इस्तेमाल करूँगी जो सबके पास अवेलेबल हो। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल डाल के ही खाया जाता है, ऑलिव जाते हैं इसके ऊपर, तो आप कोई और सा तेल मत इस्तेमाल कीजिएगा, ऑलिव ऑयल ही यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा ये बहुत ही फाइन चॉप की हुई आल प्याज है, अगर आपको आल प्याज का जायका नहीं पसंद, आप एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल फाइन चॉप करेंगे रेगुलर वाली प्याज, और उसके साथ आधा कप हरा धनिया और क्वार्टर कप पुदीना ले लेंगे। मैं इसमें क्वार्टर कप पुदीना लूँगी, लेकिन मैं आल प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है। इसके अलावा एक डेढ़ टेबल स्पून या हसबे जायका इसमें लीमू का रस जाएगा। ये दो लहसुन के जवे मैंने बिल्कुल बारीक क्रश कर लिए हैं, और ये तीन से चार हरी मिर्चें बारीक वाली, ये मैंने बहुत फाइन चॉप कर ली हैं। अगर आपको पसंद है आप डालिएगा, अगर आपको नहीं पसंद आप बेशक नहीं डालिएगा, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम एक बैंगन लेंगे और कांटे से हम इस तरह से उसके अंदर सुराख करेंगे, ताकि ये लौ जो है ये अंदर तक इसको अच्छे तरीके से गला दे। ये एक केक स्टैंड है जिसके ऊपर हम केक या मफिन्स को ठंडा करने के लिए रखते हैं, इसको ब्रश करके ऑयल से, ये मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, और इसके ऊपर हम बैंगनों को रोस्ट करेंगे। आप अवन में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्रिल है तो उसमें भी कर सकते हैं। अब हम इस चूल्हे के ऊपर इन्हें रखेंगे और इनके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल को ब्रश कर देंगे। आज जो है चूल्हे की वो बिल्कुल स्लो रखूँगी। अब हम दो दो मिनट के लिए इसे एक एक साइड से अच्छे से रोस्ट करते रहेंगे, और जब तक ये बिल्कुल अच्छे से रोस्ट होके पके हुए नहीं हो जाते, हम तब तक इन्हें इस तरीके से रोस्ट करेंगे। तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे इसके अंदर। तो देखिए मैंने क्या किया है, एक एक कांटा इसकी डंडी के पोर्शन के अंदर लगा दिया है। चूल्हे से अलग भी है वो, तो ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा, और इसको टर्न करने में भी हमें बहुत सहूलत रहेगी। तो बार बार इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में फ्लिप करेंगे और सब तरफ से बिल्कुल नरम होने तक इसे पकाएंगे। तो देखिए अब ये हिलाते जुलाते मैं बना रही हूँ और रोस्ट कर रही हूँ, और ये एक जो है ये बिल्कुल 100% रोस्ट हो गया, तो इसे मैं निकाल रही हूँ और इसको किचन काउंटर के ऊपर रख रही हूँ एक प्लेट के अंदर। थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देंगे, फिर हम इसका छिलका उतारेंगे। अब जितनी देर बाकी के हो रहे हैं मैं आपको इसे खाली करके दिखाती हूँ। इसके मैं चार पीस कर रही हूँ ताकि इसका छिलका आराम से उतर जाए। अब मैं इसे कांटे से इस तरीके से पकड़ रही हूँ और छुरी के पिछले हिस्से से इस तरीके से मैं इसे निकाल लूँ। ये देखिए बिल्कुल छिलका अलहदा हो गया और सारा गूदा अलहदा हो गया।
ठीक है, एक और भी उतार लेते हैं इसी तरीके से। ये हमने इसको कांटे से पकड़ा यहां से, ठीक है, और छुरी के पिछले हिस्से की तरफ से हमने इसे स्क्रैप कर दिया, खुरच दिया। ये आ गया छिलका अलग से और ये हमारा बिल्कुल अच्छा सा इसका गुदा निकल के रेडी हो गया। सारे हम इसी तरीके से करेंगे। तो देखिए मैंने तमाम को कर लिया है और अब इसके बाद इस तरीके से इनको बिल्कुल कीमा कर लूंगी मैं। तो अब आप देखिए कितना जबरदस्त मैंने इसको बिल्कुल कीमे की तरह कर लिया है। अब हम इसे एक बोल में निकालेंगे और फिर इसमें बाकी चीजें मिलाएंगे। तो अब हम इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल करेंगे। इसमें जाएगा हसबे जायका नमक, या मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून। साथ ही चली जाएगी इसमें पिसी लाल मिर्च या सुमुक 1/4 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर जाएगा तहीनी पेस्ट 2 टीस्पून। ये कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। इसके अलावा इसके अंदर दही जाएगा फेंट के 1/2 कप। अब इसके अंदर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। तो इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा चॉप किया हुआ पुदीना, तकरीबन 2 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें, क्रश किया हुआ लहसुन और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हरी प्याज। अच्छा, ये 1.5 कप मैंने दिखाई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, मैं नाप के नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैं आपको बताती हूँ तो कुछ चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब साथ ही इसके अंदर जाएगा लेमन। आज मेरे पास बहुत ही छोटे साइज़ का लेमन है, इसलिए मैं पूरा 1 सवा लेमन डाल रही हूँ। आप ट्राई कीजिएगा 1 से 1.5 टेबल स्पून लेमन इसके अंदर डालें। और वो लोग जो डाइटिंग करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, वो इसको बहुत इजीली ले सकते हैं। तो इसे सब चीज को हम मिक्स करेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, ये रेडी हो गया है। चख के अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकालूंगी। तो देखिए मैंने इसे निकाल लिया है और इस तरह से थोड़ा सा चमचे से गहरा करके इसके अंदर तेल की जगह बनाने की भी कोशिश की है। तो मैं थोड़ा सा ही तेल डालूंगी, बहुत ज़्यादा तेल डालने से फिर फ़ायदा क्या है इसको बनाने का, क्योंकि ये तो एक हेल्दी रेसिपी है तो हेल्दी ही रहनी चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। अब हम साथ ही इस पे हल्का सा पिसी हुई लाल मिर्चों का छिड़काव करेंगे। और ओरिजिनली इसके अंदर सुमुक डाला जाता है, मेरे पास बिल्कुल नहीं था, मिल भी नहीं रहा था, तो इसलिए मैं इसमें पिसी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब हम इसे एक बहुत ही प्यारे से पुदीने के पत्तों से गार्निश करेंगे और बस ये हमारा रेडी हो गया है। तो जनाब हमारा बहुत ही मज़ेदार अरेबिक डिप बाबा गनूश बिल्कुल रेडी है। नाम इसका जितना ही डिफरेंट हो, जायका इसका बेस्ट है। और आप इसके अंदर चाहें तो ऑलिव ऑयल 1-1.5 चम्मच डालें, पहले से डालें ही नहीं, ये यूं ही इतना मज़ेदार है कि आप चम्मच से भी खा सकते हैं, आप यकीन जानिए। तो इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे देख लीजिए, वहाँ काफ़ी अमेजिंग रेसिपीज़ होती हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।